बच्चों हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर चल रहा था, उसमें अपन ने मीटर ब्रिज डिस्कस कर लिया था और पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट कर लिया था। आज हम पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन एंड इसके यूजेज करेंगे, है ना। तो आज का हमारा जो काम है, जो हम आज करेंगे, वो करेंगे एप्लीकेशंस एंड यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखो बेटा, जो हमने प्राइमरी सर्किट बनाया था उसमें हमने कुछ नहीं किया था। प्राइमरी सर्किट में हमने केवल एक सिंपल सा काम किया था कि एक यूनिफॉर्म वायर था, 10 मीटर का, 15 मीटर का, 20 मीटर का एक यूनिफॉर्म वायर था। हमने उस वायर पर एक यूनिफॉर्म पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया था। तो प्राइमरी सर्किट में हमने क्या किया था, एक वायर लिया था, है ना, और इस वायर पर एक पोटेंशियल डिफरेंस को तैयार करने में, एक पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस करने का काम किया था। बस अगर इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता लग गया और इसकी यूनिट लेंथ के लिए ड्रॉप पता लग गया, तो इसका मतलब हमारा पोटेंशियोमीटर तैयार हो गया, रेडी। तो हाउ टू मेक पोटेंशियोमीटर रेडी, सबसे पहले तो बात यह कि आप पोटेंशियोमीटर का यूज करना चाहते हो, कुछ उससे मेजरमेंट करना चाहते हो, तो भाई सबसे पहले तैयारी करो, इंस्ट्रूमेंट को तो बनाओ। तो इंस्ट्रूमेंट बनाने का मतलब है आपका एक्स बन गया। एक्स क्या होता है, वी अपॉन एल होता है, यूनिट लेंथ का पोटेंशियल। तो हमने एक्स को क्या कहा था, एक्स को कहा था पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक्चुअल में ये इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पता होने के बाद ही हम गेम खेल सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट, इट इज व्हाट, इट इज पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। अब देखो, आपको कुछ भी मेजर करना है ना, वो आप यहां पर रखेंगे, जो कुछ भी मेजर करना, जैसे यहां पे कुछ भी मेजर करना है, व्हाट एवर यू वांट टू मेजर, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने, आप यहां पर रखेंगे। और यहां पे रख के फिर एक गैल्वेनोमीटर लगा करके और फिर आप एक जोकी जैसे यहां कनेक्ट कर देंगे, फिर आप देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कहां जीरो आता है, वो आपकी रीडिंग हो जाएगी, है ना। तो वी जो है, या वी डैश जो है, वो अननोन पोटेंशियल डिफरेंस है, अननोन अननोन पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम कह देंगे एक्स इंटू एल, एल आपकी बैलेंसिंग लेंथ है। अगर मान लो ये जो कि जे जो है, स्लाइडिंग जो कि ये आपकी मान लो यहां पे बैलेंस हुई है एल पर, तो ये आपका अननोन पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। चलिए अब हम जो पोटेंशियोमीटर की जो एप्लीकेशंस करेंगे ना, उसमें क्या क्या करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम करेंगे टू फाइंड आउट ईएमएफ और अननोन पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों एक ही बात है, अननोन पोटेंशियल डिफरेंस। नंबर टू, टू कंपेयर टू सेल्स। नंबर थ्री, टू रेजिस्टेंसेस। नंबर फोर, सॉरी, नंबर फोर, टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। नंबर फाइव, नंबर फाइव, टू कैलिब्रेट वोल्ट मीटर एंड अमीटर, टू कैलिब्रेट वोल्ट मीटर एंड अमीटर। है ना, इससे पहले हम इससे पहले जो है ना, यहां पर हम अननोन करंट का फाइंड आउट करेंगे, टू फाइंड अ करंट, टू फाइंड अ करंट फ्लोइंग इन अ सर्कल, टू फाइंड अ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। ये हमारे पोटेंशियोमीटर के यूज है। तो देखो बेटा, मैं वन बाय वन बातें करूंगा, है ना। सबसे पहले
मैं अननोन पोटेंशियल डिफरेंस को पता करूंगा, फिर बाकी के काम हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक है टू फाइंड एनी अननोन पोटेंशियल डिफरेंस और एनी ईएमएफ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, मान लो हमारे इस दुनिया में, इस जिंदगी में कहीं कोई नेटवर्क है, कहीं कुछ सिस्टम बना हुआ है, होगा कहीं पर, उसके दो पॉइंट हैं साहब, एक पॉइंट एक्स है और एक पॉइंट वाई है। तो ये एक्स और वाई दो पॉइंट है, इन एक्स वाई दो पॉइंट्स के बीच में कुछ कुछ है, क्या हो सकता है इन एक्स वाई दो पॉइंट्स के बीच में? किसी नेटवर्क का टुकड़ा होगा, कोई करंट फ्लो हो रहा होगा, या कोई सेल होगा, या कोई रेजिस्टेंस होगा, या कोई ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस होगा, या कोई बंच ऑफ नेटवर्क होगा, पता नहीं क्या होगा साहब। तो हमें इसका अब डिफरेंस पता लगाना है, वी एक्स वाई इक्वल टू वाट, इस पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी ये हमारा सवाल है। अब हम इसका पता किससे लगाएंगे? पोटेंशियो मीटर से लगाएंगे। तो मैं पोटेंशियो मीटर लेके आ जाऊँ, उसके लिए मैं एक पोटेंशियो मीटर ले आता हूँ इसके लिए। चलिए, मैं पोटेंशियो मीटर लेके आ गया, दिस इज आर पोटेंशियो मीटर। तो हमने वी एक्स वाई निकालने के लिए पोटेंशियो मीटर ले आए हैं। अब पोटेंशियो मीटर हमारा आ चुका है, यही हमारा पोटेंशियो मीटर होता है, जिसमें पोटेंशियो मीटर वायर ही पोटेंशियो मीटर है ना। अच्छा, इसके अंदर प्राइमरी सर्किट हम बना देते हैं, सेल। अब देखो, वैसे तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि हमारा x का फॉर्मूला ये होता था, क्या होता था x का फॉर्मूला? e अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस आर ई, ये था, ये आपका x था, करेक्ट। अब जब ये x था, तो अगर हमें ये सब चीजें पता है, ये 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 पता है, सारी कहानी अगर हमें पता है, एंटायर स्टोरी हमें नोन है, तब तो आप x यहां से पता लगा दो। और अगर ये सब पता ना हो तो, जैसे अगर मान लो आपको कुछ भी नहीं पता, e भी नहीं पता, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं पता, आपको r एक्स्ट्रा भी नहीं पता, आपको वायर का रेजिस्टेंस भी नहीं पता है, लंबाई ऑफकोर्स पता कर लेंगे हम, लंबाई तो पता रहती है वायर की, है ना, रेजिस्टेंस भी नहीं पता, फिर आप कैसे करेंगे सवाल को, फिर आप इसका पता कैसे लगाएंगे? तो मैं बताता हूँ इसका पता कैसे लगाएंगे। इसका पता लगाने के लिए हमारा स्टेप वन होता है टू फाइंड एक्स। तो देखिए जी, फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट टू फाइंड एक्स पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये सबसे पहला स्टेप है, हमें एक्स का पता लग जाना चाहिए। अगर एक्स पता है तो आप इसको कर देंगे, एक्सपेरिमेंट वो कर लेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो देखिए, टू फाइंड एक्स वी यूज अ सेल, वी यूज अ सेल ऑफ नॉन पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस जिसका हमें पहले से पता होता है, नॉन पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज ईएमएफ, ऐसा सेल जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता होता है पहले से ही, वी यूज अ सेल ऑफ नॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो, ई डेनियल है ना, दैट इज डेनियल सेल, ईएमएफ ऑफ अ डेनियल सेल, डेनियल सेल। तो देखो बेटा, डेनियल सेल का ईएमएफ जो है ना, हमेशा फिक्स होता है, और वो होता है 1.08 वोल्ट, ये आपका डेनियल सेल का क्या होता है, ईएमएफ होता है, और ये फिक्स होता है हमेशा। डेनियल सेल एक ऐसा सेल होता है, एक ऐसा प्रैक्टिकल सेल है जो आपकी लैब में पाया जाता है, उसका पोटेंशियल या तो इतना होता है या फिर जीरो होता है या फिर नहीं होता, मतलब बीच का कोई उसमें वैल्यू नहीं होता है, यानी डेनियल सेल या तो खत्म, और अगर जिंदा है तो इतना वोल्टेज देगा। इसी तरह की से एक सेल और है, उसे हम कहते हैं कैडमियम सेल, सीडी है ना, तो दैट इज ईएमएफ ऑफ कैडमियम सेल, इसकी भी खास बात है 1.018 वोल्ट होता है इसका, तो या तो इतना होता है या फिर जीरो होता है, इससे न तो कम होता न ज्यादा होता, राइट, इसे कहते हैं नॉन ईएमएफ वाला सेल। तो हम क्या करते हैं कि
स्टेप फर्स्ट में हम इस नॉन ईएमएफ वाले सेल को यहां लगा देते हैं, ये आपका डेनियल सेल है, इसका पहले से ही हमें पता होता है डेनियल सेल का, राइट। एक काम, दूसरा इसको हम यहां से कनेक्ट कर देते हैं ऐसे। अब हम यहां पर एक टू वे की लगाते हैं, टू वे की यानी एक ऐसी की होती है जिसके दो रास्ते होते हैं, हम चाहें तो उसको इधर उधर कर सकते हैं। तो देखो इस टर्मिनल को कहते हैं टर्मिनल नंबर वन, इस टर्मिनल को कहते हैं टर्मिनल नंबर टू, इसे कहते हैं टर्मिनल नंबर थ्री। ये जो मैं बोल रहा हूं टू वे की, टू वे की, ये टू वे की क्या चीज है मैं बताता हूं, टू वे की क्या चीज है। यहां पर एक टर्मिनल होता है, इसको हम चाहें तो इधर कनेक्ट कर सकते हैं, चाहें तो इधर कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, इधर कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए एट फर्स्ट स्टेप, है ना, एट स्टेप फर्स्ट एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, एट स्टेप फर्स्ट एज शोन इन फिगर, कनेक्ट वन प्लस थ्री। अब देखो वन प्लस थ्री को आप कनेक्ट करो, तो जब आप वन प्लस थ्री को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा बताओ, डेनियल सेल विल बी इन द सर्किट, है ना, ई डी विल बी इन द सर्किट, ई डी विल बी इन द सर्किट, सर्किट आपका ई डेनियल आपके सर्किट में आ जाएगा, राइट। अब देखो डेनियल सेल सर्किट में आएगा, आप यहां पे बैलेंसिंग लेंथ निकालिए, है ना। तो देखिए आई एफ इफ एल वन इज बैलेंसिंग लेंथ, इफ एल वन इज बैलेंसिंग लेंथ फॉर ई डेनियल, फॉर ई डेनियल, तो ई डेनियल के लिए बैलेंसिंग लेंथ एल वन है। ई डेनियल का पोटेंशियल आपको पता ही है, पोटेंशियल ई एम एफ, तो आप पता है क्या कह देंगे, आप कह देंगे एक्स बराबर, एक्स बराबर, एक्स बराबर आ जाएगा ई डेनियल अपॉन एल वन, बिकॉज एल वन इज बैलेंसिंग लेंथ फॉर डेनियल सेल, है ना। तो ध्यान दीजिए एल वन इज बैलेंसिंग लेंथ फॉर ई डेनियल, है ना, बैलेंसिंग लेंथ ऑफ ई डेनियल, ई डेनियल के लिए बैलेंसिंग लेंथ है। तो देखो ई डेनियल जो है ना, ई डेनियल, ई डेनियल इज इक्विवेलेंट टू एल वन या एक्स एल वन, एक्स एल वन, फिर तो इक्विवेलेंट लिखने की क्या जरूरत है, इक्वल ही लिख दो, फिर तो आपको इक्वल ही लिख दो, है ना, फिर आपको इक्विवेलेंट लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। ई डेनियल इज एक्स एल वन, इसको तो सीधे है आप एक्स एल वन लिख दो, तो आपका एक्स आ जाएगा ई डेनियल अपॉन एल वन। दिस फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड कैलिब्रेशन और टू स्केल कैलिब्रेशन, दिस फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन और टू स्केल पोटेंशियोमीटर, और टू स्केल पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर की स्केल बन गई है साहब, पोटेंशियोमीटर की क्या बन गई है, स्केल बन गई है, यानी हमें एक्स पता लग गया, यानी अब हमें एक्स पता लग गया तो यानी स्केल पता लग गई, है ना। तो एक्स पता लगाने के लिए हमने क्या किया, एक्स पता लगाने के लिए हमने सबसे पहले डेनियल सेल को यहां कनेक्ट किया, और डेनियल सेल को 1 3 से कनेक्ट किया, तो आपके पास एल वन आ गया, आपका एक्स पता लग गया, यानी अब आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है। और जब पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है तो अब हम पता है क्या करेंगे, यहां से 1 3 का कनेक्शन हटा देंगे और फिर 2 3 को कनेक्ट करेंगे, दैट विल बी स्टेप सेकंड, दैट विल बी स्टेप सेकंड। तो देखिए स्टेप सेकंड, देखो स्टेप सेकंड है जी। तो देखिए नाउ कनेक्ट टू एंड थ्री, आप टू एंड थ्री को कनेक्ट करिए, सो दैट अननोन पोटेंशियल डिफरेंस वी एक्स वाई कम्स इन द सर्किट,
कम्स इनटू द सर्किट, कम्स इनटू द सर्किट। देखिए ध्यान दो, सर्किट में अब आपका वी एक्स वाई आएगा, है ना। और जब वी एक्स वाई सर्किट में आया है ना, तो पता है क्या आएगा आपका, आपका ये आ जाएगा वी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स एल टू, एल टू इज बैलेंसिंग लेंथ फॉर वी एक्स वाई, एल टू इज बैलेंसिंग लेंथ फॉर वी एक्स वाई, वी एक्स वाई का बैलेंसिंग लेंथ है। तो अब देखेंगे आप, तो आपका वी एक्स वाई आ चुका है, मतलब आपका आंसर आ चुका है एक्स इंटू एल टू, एक्स इंटू एल टू, एक्स को हमने लिखा था ई डेनियल अपॉन एल वन और ये एल टू, दिस इज योर आंसर। यानी आप अननोन निकाल सकते हो, कुछ भी अननोन जो आपको पता नहीं है वो आपके पास आ गया। तो देखिए आप स्टेप बाय स्टेप सारी बात को समझेंगे तो बड़ा आसान सा सिस्टम है, बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई खास बात नहीं है। जैसे आपको पोटेंशियोमीटर से किसी भी अननोन पोटेंशियल डिफरेंस को पता करना है, अगर आपके पास ये सब चीजें पहले से पता है, सारा का सारा एवरीथिंग पता है, तब तो आप एक्स डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल दो, फिर आपको इस वाले की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये कुछ भी पता नहीं है या कुछ पता है, कुछ छूटे हुए आधी अधूरी जानकारी है, तो फिर तो आपको एक्सपेरिमेंटली पता करना पड़ेगा। तो फिर आप क्या करें, यहां पर एक बार ई डेनियल लगा दें, नॉन ईएमएफ लगा दें। अब आपने नॉन ईएमएफ को बैलेंस कर लिया, तो इसकी मान लो बैलेंसिंग लेंथ एल वन आई, तो आपको एल वन आते ही आपको एक्स पता लग गया। तो देखिए स्टेप फर्स्ट जो था ना, उसमें हमने क्या किया, टू फाइंड एक्स, ई डेनियल को हमने यूज में लिया, ज्यादातर डेनियल सेल यूज में लेते हैं आपके स्कूलों में, कैडमियम सेल थोड़ा महंगा आता है, कैडमियम सेल को जनरली यूज में लेते नहीं है, है ना। हाँ, डेनियल सेल काम में लेते हैं, तो डेनियल सेल आपके स्कूल में काम में लेते हैं। तो ये आपका एक्स इक्वल टू ई डेनियल अपॉन एल वन आया। अब एल वन जो है बैलेंसिंग लेंथ इसकी है, दिस फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज कैलिब्रेशन और टू स्केल अप पोटेंशियोमीटर। कैलिब्रेशन कहलाते हो पोटेंशियोमीटर का, या स्केल अप कह दो पोटेंशियोमीटर को, कि स्केल कर दिया हमने पोटेंशियोमीटर का, स्केल बना दिया, स्केल बना दिया। अब मेजरमेंट करेंगे सेकंड स्टेप पर। तो स्टेप टू जो हमारा आया है वो ये आया है कि अब हम टू प्लस थ्री को कनेक्ट करते हैं, सो दैट अननोन पोटेंशियल डिफरेंस वी एक्स वाई कम्स इन द नेटवर्क। देखो टू प्लस थ्री, देखो आपका ये, देखो ये वी एक्स वाई आ जाएगा, यहां से आप हटा दो इसको, है ना, इसको हटा दो आप, ये वन, ये टू और ये थ्री, आप टू प्लस थ्री को कनेक्ट कर दो, है ना, वन हटा दो, करेक्ट। तो इस तरीके से आपका जो है टू प्लस थ्री आएगा अब नेटवर्क में। अब टू प्लस थ्री नेटवर्क में आया, अब आपकी बैलेंसिंग लेंथ जो आएगी वो टू प्लस इसके लिए आएगी, एक्स वाई के लिए आएगी, जो भी है एक्स वाई के बीच में क्या है पता नहीं अपने को, है ना। चलिए जी, अब मैं अगला इसका यूज करता हूँ। नेक्स्ट यूज है टू कंपेयर टू सेल्स, टू सेल्स। तो देखो बड़ा आसान है टू सेल्स को कंपेयर करना। जैसे मान लो मेरे पास एक सेल ये है ई वन, ई वन, है ना, मेरे पास एक दूसरा सेल है ई टू। अब इन दोनों का ईएमएफ निकालना है और रेशियो निकालना है, मतलब केवल रेशियो निकालना है, सॉरी ईएमएफ नहीं निकालना, रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक पोटेंशियोमीटर लेकर के आएंगे। तो मैं पोटेंशियोमीटर लेके आ चुका हूँ, है ना। टारगेट क्या है हमारा, टारगेट है हमारा टू कंपेयर, कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। तो देखो सबसे पहले हम ये पोटेंशियोमीटर लेकर के आएंगे, पोटेंशियोमीटर आ चुका है, पोटेंशियोमीटर ले आए हैं हम और ये आ गया। अब हमको यहां पे क्यों दो का वो करना है, ईएमएफ का कंपैरिजन करना है, इसलिए एक्स की जरूरत ही नहीं है। अगर एक्स ना भी हो तो पता लग, हमारा काम चल जाएगा। कैसे, अब एक्स नहीं है, मान लो एक्स है कुछ भी, तो आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। ये आपका आ गया, इसको हम कह देंगे पॉइंट वन। देखो क्या कहेंगे, इसको हम कह देंगे पॉइंट नंबर वन, इसको कह देंगे पॉइंट नंबर टू, इसको कह देंगे पॉइंट नंबर थ्री, है ना। यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर लगा देंगे और गैल्वेनोमीटर लगा करके यहाँ एक स्लाइडिंग जो कि जे लगा देंगे। अब देखिए फर्स्ट स्टेप, स्टेप फर्स्ट में आप वन प्लस थ्री को कनेक्ट करो। जब आप वन प्लस थ्री को कनेक्ट करेंगे तो इट विल बी वेरी नेचुरल दैट ईवन विल बी इन द सर्किट, ऑब्वियस है, ईवन सर्किट में आएगा, ईवन सर्किट में आएगा तो ईवन की बैलेंसिंग लेंथ आएगी, है ना। तो स्टेप वन, वन प्लस थ्री, एल वन इज बैलेंसिंग लेंथ फॉर ईवन, फॉर ईवन, है ना। हाँ जी, तो इसका मतलब ये आया ईवन बराबर क्या आ गया, एक्स एल वन आ गया। चलिए स्टेप टू करो,
स्टेप टू करो। स्टेप टू में हम करेंगे 2+3 को कनेक्ट करेंगे, 2+3 को कनेक्ट करेंगे। अब मान लो 2+3 कनेक्ट करने के बाद में आपका एल टू जो है वो बैलेंसिंग लेंथ आ गया, किसके लिए? ई टू के लिए आएगा, ई टू के लिए आएगा। तो ई टू बराबर क्या आ जाएगा आपका? एक्स एल टू आ गया। जब आपके पास एक्स एल टू आ गया और ये एक्स एल वन आ गया, दोनों में डिवाइड कर दो आपस में, तो ई वन अपॉन ई टू क्या आ जाएगा आपका? एल वन अपॉन एल टू आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर, यानी कंपेरिजन आ गया। तो कितना आसान है, कितना आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए मैं यहाँ पर एक सवाल बनाता हूँ, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। सपोज दो सेल हैं जिनको सीरीज में कनेक्ट किया है हमने, तो ई वन और ई टू दो सेल है, इनको सीरीज में कनेक्ट किया, किसमें कनेक्ट किया? सीरीज में। तो सीरीज में कनेक्ट किया तो इनका ईएमएफ कितना आया? ई वन प्लस ई टू आया। हमने एक पोटेंशियोमीटर रख रखा था हमारी लैब के अंदर, तो हमारी लेबोरेटरी में एक पोटेंशियोमीटर था, मैंने ई वन प्लस ई टू की बैलेंसिंग लेंथ पता की, तो ई वन प्लस ई टू की बैलेंसिंग लेंथ आई है कैपिटल एल वन, करेक्ट। अच्छा अब मैंने दूसरी बार क्या किया कि इस सेल का एक का टर्मिनल पलटी खिला दिया, यानी E1 को तो ऐसे ही रखा, E2 को उल्टा कर दिया, E2 को उल्टा कर दिया, सेम लैब में, सेम लैब, उसी समय, उसी समय। जैसे एक बार पोटेंशियोमीटर पे हमने E1 प्लस E2 की बैलेंसिंग लेंथ पता कर ली L1, फिर हमने उसका उल्टा कर दिया, तो अब की बार में क्या आएगा? E1 माइनस E2 की बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी, इसमें क्या बात है। तो E1 माइनस E2 की जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है, बैलेंसिंग लेंथ वो आ रही है L2, L2, ये दोनों की बैलेंसिंग लेंथ आ गई, E1 प्लस E2 की बैलेंसिंग लेंथ आ गई, E1 माइनस E2 की बैलेंसिंग लेंथ आ गई। अब आपको E1 अपॉन E2 पता करना है, तो देखो कैसे करेंगे हम। E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 को मैं लिखूंगा X इंटू कैपिटल L1, E1 माइनस E2 इसको मैं लिखूंगा X इंटू कैपिटल L2, करेक्ट हो गया। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो ट्वाइस इवन आ जाएगा, ट्वाइस इवन आ जाएगा, तो ये एक्स एल वन प्लस एल टू आ जाएगा, राइट। फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ट्वाइस ई टू आ जाएगा, ट्वाइस ई टू आ जाएगा, तो ये एक्स एल वन माइनस एल टू आ जाएगा, आप देखें, करेक्ट। तो आपके पास में ये इवन अपॉन ई टू आएगा, तो इवन अपॉन ई टू को क्या लिखोगे आप? E1 अपॉन E2 को आप लिखेंगे L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, ये आप लिखेंगे, करेक्ट। मतलब आपके पास E1 अपॉन E2 की वैल्यू आ गई है। अच्छा जब आपके पास E1 अपॉन E2 की वैल्यू आ गई है तो अब देखिए, ये तो खैर कंप्लीट काम, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास दूसरा काम है टू कंपेयर टू रेजिस्टेंसेज। जैसे मान लो हमारे पास दो रेजिस्टेंसेज हैं, अब हम उन्हें कंपेयर करना चाहते हैं। मान लो एक रेजिस्टेंस जो है बहुत बड़ा है और एक रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, अब हम उसको पता करना चाहते हैं, उनका रेशियो निकालना चाहते हैं। सपोज दिस इज वन बिग रेजिस्टेंस, राइट, एंड देर इज वन वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, तो ये एक कैपिटल आर है, ये बेचारा स्मॉल आर है। अब हमें इन दोनों का कंपैरिजन करना है, आई वांट कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ये चाहता हूं मैं पता लगाना, किससे? पोटेंशियोमीटर से पता लगाऊंगा, लगा दूं, लगा दे रहा हूं, देखो अभी लगा देता हूं मैं। सबसे पहले इसके अंदर कोई करंट बहाऊंगा, कहीं से लेके आऊंगा कोई करंट, है ना, किसी भी तरह का करंट बहा दो, मतलब कोई रूल नहीं है, कुछ भी। तो इसमें से कोई करंट बह गया बेटा, अगर मान लो इसमें से कैपिटल आई करंट बह गया, अगर कैपिटल आई करंट फ्लो हो गया, तो बताइए इस कैपिटल आर पर ड्रॉप कितना आया? अगर कैपिटल आई करंट बह गया तो कैपिटल आर पर ड्रॉप आया आई आर, स्मॉल आर पर ड्रॉप कितना आया? आई इंटू स्मॉल आर, इतना ड्रॉप आ गया अगर करंट बह रहा है। अब मुझे आर और अपॉन आर का रेशियो चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, पोटेंशियोमीटर लेके आ रहा हूं। जब किसी चीज का रेशियो निकालना होता है ना, तो जनरली हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट की जरूरत नहीं पड़ती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमें किसी की वैल्यू निकालनी होती है। कंपैरिजन में जनरली कट जाता है एक्स, एक्स क्या हो जाता है, जैसे अभी ई वन प्लस ई वन अपॉन ई टू में एक्स कैंसिल हो गया था,
तो क्या जरूरत है फिर? अब ये मैं पोटेंशियोमीटर वायर लेके आ चुका हूँ। पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट तो जरूर ही बनता है हमेशा, उसके बगैर तो पोटेंशियोमीटर ही नहीं होता वो। ये आपका प्राइमरी सर्किट बन गया है। अब हमें एक्स निकालने की जरूरत नहीं है, बिना एक्स के ही हमारा काम चल जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। अब देखो यहां पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं पॉइंट नंबर वन, यहां पे मैं दूसरा पॉइंट ले लेता हूं पॉइंट नंबर टू, यहां पे मैं तीसरा पॉइंट ले लेता हूं पॉइंट नंबर थ्री, और यहां पे मैं एक गैल्वेनोमीटर लगा देता हूं, और फिर यहां पे मैं जो कि जे लगा देता हूं। करेक्ट, बस काम हो गया मेरा, मेरा काम हो गया। देखिए अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले स्टेप वन, स्टेप वन में मैं वन प्लस थ्री को कनेक्ट करूंगा। जब वन प्लस थ्री को कनेक्ट करूंगा तो देखिए वन प्लस थ्री कनेक्ट करते ही आई आर विल बी इन द सर्किट, है ना? तो आई आर विल बी इन द सर्किट। आप इस बात को समझिए, है ना? आई आर विल बी इन द सर्किट। अब जब आई आर विल बी इन द सर्किट तो क्या होने वाला है वो देखो आप। आई आर बराबर आ जाएगा फिर एक्स एल वन, L1 आपकी बैलेंसिंग लेंथ आ गई, है ना? तो L1 बैलेंसिंग लेंथ फॉर IR, नेचुरल है L1 यहां लिख रहा हूं तो IR की होगी बैलेंसिंग लेंथ, इसको बताने की जरूरत नहीं है, है ना? स्टेप टू में मैं कह रहा था 2 प्लस 3 को कनेक्ट करो, 2 प्लस 3 को कनेक्ट करेंगे। व्हेन यू कनेक्ट 2 प्लस 3 देन व्हाट विल बी इन द नेटवर्क, आपके नेटवर्क में IR प्लस I स्मॉल r दोनों एक साथ आ जाएंगे सर्किट, विल बी इन द सर्किट। सोचो आप, सोचो 2 प्लस 3 को कनेक्ट करने से दोनों सर्किट में कैसे आ रहे हैं, सोचिए आप स्वयं। देखो ये आपका 3 है और ये आपका 2 है, आपने इसको ऐसे कनेक्ट किया तो ये सारा सर्किट आएगा बेटा, समझ रहे हो आप? आई और आर दोनों सर्किट में आएंगे, दोनों सर्किट में आएंगे। बैलेंसिंग लेंथ एल टू होगी तो आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर बराबर एक्स एल टू। बस हमें आर अपॉन आर चाहिए जी, क्या चाहिए हमको? आर अपॉन आर चाहिए। तो एक काम करो आप कि आर अपॉन आर चाहिए तो आप ऐसा करो, इसको इक्वेशन वन लिख दो, इसको इक्वेशन टू लिख दो, है ना? आप ऐसा करो टू में वन से भाग लगाओ, एक बार लगाओ जरा टू में वन से भाग। तो आई कॉमन है, आर प्लस आर है और ये आई आर है, ये आ जाएगा आपका एल एक्स एल टू अपॉन एक्स एल वन, तो आपका एल टू अपॉन एल वन आ जाएगा, राइट? आई से आई कट गया। देखो मतलब हम जब कंपेयर करते हैं ना तो जरूरत नहीं पड़ती एक्स की भी और आई की भी, किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो सब कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो आपके पास में आ गया वन प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर बराबर एल टू अपॉन एल वन, है ना? तो आपके पास स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्या आ गया, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर आ गया एल टू अपॉन एल वन माइनस वन, यानी एल टू माइनस एल वन अपॉन एल वन, ये आपके पास स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर आ गया। तब देखो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का रेशियो क्या आएगा ये बताओ, एल वन अपॉन एल टू माइनस एल वन। देखो बेटे आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, याद कुछ भी नहीं करना, पूछो क्यों, एग्जाम में कुछ भी उल्टा पुल्टा कर सकता है वो। हो सकता है मैंने यहाँ पे वन और थ्री को पहले स्टेप पर किया, वो कह दें स्टेप फर्स्ट आपका टू प्लस थ्री है और उसका डेटा दे दें। अच्छा मतलब एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, इसलिए याद कुछ भी मत करो। मैंने जिसको एल वन माना है हो सकता है वो एग्जाम वाला उसको एल टू मान ले, जिसको मैंने एल टू माना है हो सकता है एग्जाम वाला उसको एल वन मान ले, तो फिर समस्या हो जाएगी, है ना? हमारा ये क्या था, टू कंपेयर टू रेजिस्टेंस था, है ना? तो हमारा जो ये था टू कंपेयर टू रेजिस्टेंस, ठीक है, टू कंपेयर टू रेजिस्टेंसेज। अब हमारा अगला इसके अंदर है टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा एग्जाम में आता है, ट्वेल्थ बोर्ड में काफी आता है। तो देखिए टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है बेटा।
तो देखिए मैं इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल देता हूं सेल का। मान लो मेरे पास ये एक सेल है, ये एक सेल है ना, इस सेल का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस आर का पता लगाना है, ई का पता भी मुझे नहीं है, ई का पता भी मुझे नहीं है। आई डोंट नो ई, आई डोंट नो आर, देयर इज अ सेल। अब इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे को पता करना है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देता हूं जिसका रेजिस्टेंस हमें पहले से ही पता होता है। देखो बेटा, रेजिस्टेंस बॉक्स वो चीज होती है जो नॉन रेजिस्टेंस होते हैं जिसके अंदर, तो हम लगा लेते हैं, इसका पता हमें है। अच्छा, यहां पर मैं एक जो कि मतलब की लगा देता हूं, एक की लगा देता हूं, ऑन ऑफ की, ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ स्विच लगा दिया, ऐसे कर दिया, राइट। ये आपका की है, इसको हम कहते हैं के, इसको हम कहते हैं के, करेक्ट। अब देखो मैं पोटेंशियोमीटर लेकर के आ रहा हूं, पोटेंशियोमीटर आ चुका है, पोटेंशियोमीटर आ चुका है। प्राइमरी सेल, प्राइमरी सर्किट तो बनाऊंगा ही मैं, ये आपका पोटेंशियोमीटर है साहब, ठीक है जी। एक मिनट जरा, एक मिनट जरा, बाबा रे गर्मी क्यों लग रही है। हाँ जी, ध्यान दीजिए, तो ये आपके पास में सीन है। अब देखो यहां पे मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूंगा और यहां से मैं एक गैल्वेनोमीटर अटैच करके और इस पे ले जाऊंगा, इसे कहेंगे स्लाइडिंग जो कि जे, स्लाइडिंग जो कि जे कहेंगे हम इसको। अब देखो क्या हो रहा है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट देखो, सबसे पहला स्टेप है पुट, पुट की के आउट और ओपन, आउट और ओपन, बाहर निकाल दो जी की को, तो सर्किट टूट जाएगा, नीचे वाला सर्किट टूट जाएगा। जब ये सर्किट टूट गया है तो इसका मतलब इस सेल से कोई करंट नहीं बहेगा इस सर्किट में, ध्यान दो। हमने इसको यहां से हटा दिया की को, अगर की को यहां से हटा देंगे तो अब इस नीचे वाले सर्किट में कोई करंट नहीं बहेगा, यानी कि अगर बैलेंस हो गया ना ये, तो इस सेल से कोई करंट नहीं बहेगा। अगर हमने इसको हटा दिया तो इस सर्किट में कोई करंट नहीं बहेगा नीचे वाले में, क्योंकि सर्किट टूट गया। अच्छा, फिर अगर गैल्वेनोमीटर से बैलेंस हो गया तो इसका मतलब इस सेल से कोई करंट नहीं बहेगा, और जब सेल से कोई करंट नहीं बहेगा तो ईएमएफ की बैलेंसिंग लेंथ आएगी, है ना। नाउ नाउ बैलेंसिंग लेंथ विल कम, विल कम्स आउट, विल कम आउट टू, बैलेंसिंग लेंथ विल कम फॉर कैपिटल ईएमएफ के लिए बैलेंसिंग लेंथ आएगी बेटा, किसके लिए बैलेंसिंग लेंथ आएगी, ईएमएफ के लिए। हमने आपको सेल के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि व्हेन सेल इज आउट ऑफ द सर्किट, व्हेन सेल इज हैविंग नो करंट, नो करंट इज बीइंग टेकन आउट फ्रॉम द सेल, देन टर्मिनल्स ऑफ द सेल आर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ईएमएफ, करेक्ट। तो कैपिटल ई की बैलेंसिंग लेंथ आ गई, तो मैं कह दूंगा ई इक्वल टू एक्स एल वन। स्टेप टू देखो, स्टेप टू है ना, अब देखो पुट द की इन, पुट द की के इन, इन इन माने क्लोज, क्लोज कर दिया आपने सर्किट को, आपने सर्किट को क्लोज कर दिया, यानी अब सर्किट में करंट बहेगा, अब सर्किट में करंट बहेगा। तो नाउ Now balancing length will be obtained for, now balancing length will be obtained for, obtained for terminal voltage, terminal voltage, now balancing length will be obtained for terminal voltage, terminal voltage को हम कहेंगे V equal to, V equal to XL2।
ये आपका नई बैलेंसिंग लेंथ आ गई, करेक्ट, और वो आपकी पुरानी बैलेंसिंग लेंथ थी। मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको क्या पढ़ाया था बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के लिए फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, डेराइव किया था बाकायदा, ठीक है। तो चेक करो आप जरा चेक करिए, इंटरनल रेजिस्टेंस जब पढ़ाया था आपको सेल का, उस समय ये बात बताई थी कि ई इज ईएमएफ, वी इज टर्मिनल वोल्टेज, देन इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी दिस। अब देखो बेटा, ई की वैल्यू आप लिखिए एक्स एल वन माइनस वी की वैल्यू लिखिए एक्स एल टू अपॉन एक्स एल टू इंटू आर, यानी आपके पास में स्मॉल आर आ गया है एल वन माइनस एल टू अपॉन एल टू इंटू आर, ये आपका आंसर हो गया। फिर से मैं आपको यहां सावधान कर देता हूं कि याद मत रखो, क्यों, हो सकता है जिसको मैंने स्टेप वन कहा है उसको वो स्टेप टू कर देवे, और जिसको मैंने स्टेप टू कहा है उसको स्टेप वन कर देवे। अगर एग्जाम में ऐसा हो जाएगा तो आपका ये एल वन हो जाएगा, वो एल टू हो जाएगा, फिर आपका सारा ये गड़बड़ा जाएगा, इसलिए याद मत करें, कंसेप्ट को पकड़ें। कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट ये है, सवाल ये है ये कंसेप्ट कहाँ से आया। तो वैसे तो मैंने आपको पहले से बता रखा है ना, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आपको, है ना, ध्यान दो, मैं बता देता हूँ आपको कैसे कहाँ से आया। आपको हमने पढ़ाया था वी इक्वल टू ई माइनस आई आर, I is the current taken from the cell. ये हमने पढ़ाया था टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, राइट। तो I into R बराबर E minus V. I को हमने लिखा था V upon R at last. तो ये E minus V आ गया था, फिर R को हमने लिख दिया था E minus V upon V into R. ये आपका small R आ गया था, बोलो हाँ, राइट right. तो इस तरीके से आपने इंटरनल रेजिस्टेंस पता लगा लिया सेल का, राइट right? अब हम बात करेंगे वोल्ट मीटर का कैलिब्रेशन और अमीटर का कैलिब्रेशन। चलो हम पहले अमीटर का कैलिब्रेशन बाद में करेंगे, वोल्ट मीटर का बाद में करेंगे, हम पहले एक अननोन सर्किट का करंट निकाल देते हैं, है ना। चलिए जी, तो टू फाइंड आउट करेंट इन अ सर्किट, तो फाइंड आउट अ करेंट इन अ सर्किट, कोई सर्किट है बना हुआ है कहीं पर, अब हम उसका करंट पता नहीं है, हमें करंट पता करना है। तो करंट पता करने के दो तरीके होते हैं, एक तो अमीटर, एक पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से पता करेंगे हम। देखो मान लो यहां पर कोई सर्किट बना हुआ है बेटा, कुछ है कुछ है ना, कुछ है, कुछ सर्किट वर्किट होगा कोई जी। अब इस सर्किट में साहब यहां कोई करंट बह रहा है, ये लो, अब यहां वाला करंट है मान लो आई। अब आपको इसका पता लगाना है, इसका पता लगाना है, पता किससे लगाओगे बताओ, किससे पता लगाओगे, पोटेंशियोमीटर से। तो पोटेंशियोमीटर लेके आओ, पहले पोटेंशियोमीटर आ चुका है, पोटेंशियोमीटर इज रेडी। चलो इसकी जरा सर्किट बना दो, प्राइमरी सर्किट कभी रेडी होगा, ये लो पोटेंशियोमीटर रेडी हो गया, बिल्कुल। अब देखो हम क्या करेंगे, अब एक बड़ी मुसीबत, बड़ी मुसीबत, क्या मुसीबत, ये है कि पोटेंशियोमीटर नेवर मेजर्स करेंट, ये लो, ये क्या हुआ भाई, पोटेंशियोमीटर नेवर मेजर्स करेंट, बट इट मेजर्स अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज। अब ये बड़ा गेम है, ये बड़ा गेम है कि साहब पोटेंशियोमीटर जो है वो नापता ही केवल पोटेंशियल डिफरेंस है, और हम नापने चले करंट, कैसे नापेगा, बड़ा मुश्किल काम। हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा काम करेंगे, है ना। तो देखिए, टू मेजर करंट
टू मेजर करेंट, टू मेजर करेंट बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, टू मेजर करेंट बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर वी पुट अ रेजिस्टेंस ऑफ वन ओम, रेजिस्टेंस ऑफ वन ओम इन द सर्किट, इन द सर्किट ऑफ विच, ऑफ विच करंट इज बीइंग मेजर्ड, करंट इज बीइंग मेजर्ड। तो आप ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, क्या किया है, क्या किया इसको समझने की कोशिश करो। पोटेंशियोमीटर नेवर मेजर्स करंट, बट इट मेजर्स अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो टू मेजर करंट बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर वी पुट अ रेजिस्टेंस ऑफ वन ओम, रेजिस्टेंस ऑफ वन ओम। अब आप कहोगे रेजिस्टेंस वन ओम का ही क्यों लगाया, टू ओम का क्यों नहीं लगा दिया। वन ओम का लगाने से ये फायदा होता है ना कि वी इक्वल टू आई आर, V equal to IR ohms law, है ना, ohms law होता है V equal to IR। अब R 1 है तो V equal to I आ जाएगा, है ना, ये जोरदार बात हुई, V equal to I आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, वो V नापेंगे सच में तो, लेकिन हमें I मिलेगा इन द सर्किट विच करंट इज बीइंग मेजर्ड, उस सर्किट में लगाएंगे जिसका करंट हमें पता लगाना है। तो हम उस सर्किट में लगाएंगे जिसका करंट हमें पता लगाना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, हम इसको इससे क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ हमें डेनियल सेल लगाना पड़ेगा क्योंकि एक्स चाहिए, एक्स मस्ट है साहब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बिना एक्स के काम चलने वाला नहीं है। तो डेनियल सेल लगाना पड़ेगा, एक तो ये, एक यहाँ पे एक ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा कहीं पर, डेनियल सेल तो यहाँ मस्ट है ना। तो देखो एक ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ये एक ओम और ये डेनियल सेल आ गया। अब आप देखो यहां पे क्या हुआ, वन टू थ्री गैल्वेनोमीटर और जो कीजिए, बस काम हो गया कंप्लीट। अब देखो क्या करेंगे हम, वन एंड थ्री से तो हम पहले डेनियल सेल की बैलेंसिंग डेप्थ निकालेंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा, फिर हम टू थ्री से इस वन ओम को सर्किट में लेंगे और इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे वन ओम का। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वन ओम विल बी इक्वल टू द करंट, है ना। हाँ, तो असली गेम हमने ये खेला है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको उधर की तरफ ले लाता हूं, फिर जब देखने की जरूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे, है ना। ध्यान दो, ध्यान दो, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन वन ओम, ऑन वन ओम पोटेंशियल ड्रॉप ऑन वन ओम इज इक्वल टू करंट, करंट, है ना। अब देखिए स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट कनेक्ट वन प्लस थ्री, कनेक्ट वन प्लस थ्री, है ना। बैलेंसिंग लेंथ विल बी फोर, फोर ई डेनियल, है ना। बैलेंसिंग लेंथ विल बी फॉर वन डे, फॉर ई डेनियल, ई डेनियल की बैलेंसिंग लेंथ आएगी बेटा। तो मैं कह दूंगा x, x बराबर आ जाएगा ई डेनियल अपॉन एल वन, हमें x पता लग गया। दिस इज कॉल्ड एज कैलिब्रेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर को स्केल बना दिया हमने, है ना। अब देखिए स्टेप टू, स्टेप टू, स्टेप टू में क्या होगा कि आप टू थ्री को कनेक्ट करिए, अब आपका वन ओम सर्किट में आएगा, देखना टू प्लस थ्री, है ना। वन ओम रेजिस्टेंस विल बी इन द सर्किट, वन ओम विल बी इन द सर्किट, है ना। तो बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ इज एल टू एंड इट इज बैलेंसिंग लेंथ फॉर वी इक्वल टू आई,
अब आई इंटू वन, क्योंकि वन ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, डायरेक्ट करंट की वैल्यू आएगी, है ना। अब देखो करंट की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर आई इक्वल टू वी इक्वल टू एक्स इंटू एल टू, दिस इज योर आंसर, ये आपका करंट की वैल्यू आ गई, करेक्ट। अब देखो हम आपको कैलिब्रेशन सिखाते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का। एक्चुअली क्या होता है, हमारी लाइफ में जो पोटेंशियोमीटर सॉरी वोल्ट मीटर और एमीटर होते हैं, ये एकदम एक्यूरेट कभी भी नहीं मिलते, कई तरह की समस्याएं होती हैं, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग मुसीबतें, है ना। हाँ, तो हमें 100% एक्यूरेट वोल्ट मीटर मिलना और 100% एक्यूरेट एमीटर मिलना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, कहीं नहीं मिलेगा, है ना। खूब पैसा खर्च करोगे तो भी एक्यूरेट नहीं आएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर आ जाएगी, लेकिन पोटेंशियोमीटर एकदम परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कोई एरर होती ही नहीं है, कोई एरर ऐसे नहीं होती ना, इसमें तो लॉजिक है ना, आपको बैलेंस कर रहा है वो गैल्वेनोमीटर, अब आपका आंसर ही वही आएगा जो बैलेंस्ड है, तो कहाँ गड़बड़ होने वाली है, नो चांस ऑफ गड़बड़, ठीक है ना। तो अब चलिए हम बात करेंगे पहले कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर। कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर, आप ध्यान दो थोड़ा सा, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर, मान लो मेरे पास ये कोई वोल्ट मीटर है, अब वोल्ट मीटर तो मेरे पास है लेकिन इसकी आदत खराब है वोल्ट मीटर की, है ना, वोल्ट मीटर गलत गलत नापता है जी, गलत गलत नापता है, तो हम क्या करेंगे, जो चीज इस वोल्ट मीटर से नाप रहे हैं उसी चीज को पोटेंशियोमीटर से नाप लेंगे, नापना तो सिखाई दिया मैंने आपको पोटेंशियोमीटर से, तो वो अब करने की जरूरत नहीं है, है ना। अब देखो अगर आप चाहें तो मैं सर्किट बना देता हूँ कैलिब्रेशन के लिए, है ना, मान लो ये वोल्ट मीटर है, अब कैलिब्रेशन करना है वो पोटेंशियोमीटर से, तो हम ऐसा करते हैं कि चलो मैं सर्किट बना ही देता हूँ, नहीं तो फिर आप कहोगे कि सर कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर का सर्किट आपने नहीं बनाया है, चलो मैं बना देता हूँ, ये वोल्ट मीटर है जी हमारा, और ये वोल्ट मीटर हमारा जो है ना वो खराब है, अच्छा वोल्ट मीटर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस अच्छे वोल्ट मीटर को यहाँ पर, खराब वाले वोल्ट मीटर को हम यहाँ लगा देंगे। अभी देखो मैं यहाँ पर एक सर्किट बना रहा हूँ जिसके ऊपर पोटेंशियल मैं अलग अलग लूंगा, है ना। देखो यहाँ पे मैं एक बैटरी ले रहा हूं, यहाँ पे एक ऐसे लगा दो की, तो कोई खास बात नहीं है, यहाँ पे मैं एक पोटेंशियल डिवाइडर लगा रहा हूँ। पोटेंशियल डिवाइडर क्या होता है, फंडामेंटली आपका रियोस्टेट ही होता है, लेकिन अब इसमें पोटेंशियल डिवाइडर में और रियोस्टेट में डिफरेंस क्या होता है, होता तो रियोस्टेट ही है, लेकिन जब हम इसको पोटेंशियल डिवाइडर के फॉर्म में काम में लेते हैं तो पता है क्या होता है कि ये जो दोनों टर्मिनल है ना वो सब दोनों टर्मिनल ऊपर वाले लगा देते हैं हम, और वैसे जब हम डिवीजन में काम लेते हैं तो हम वो जो है ना जो नीचे एक छोटा सा लगा रहता है उसमें काम में लेते हैं तो वो रियोस्टेट हो जाता है, ऐसे हम पोटेंशियल डिवाइडर बना देते हैं। अब क्या होता है, इस पोटेंशियल डिवाइडर के ऊपर का पोटेंशियल हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम इसको ऐसे कर देते हैं। अब देखो मैं पहले पोटेंशियोमीटर लेकर के आ जाता हूँ, पोटेंशियोमीटर आ गया आपका, पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, ये लो जी। अब मैं यहाँ एक डेनियल सेल लगा देता हूँ क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी मेरे को, उसकी जरूरत पड़ेगी, कैलिब्रेशन करना है ना बेटा पहले, तो ये वन आ गया। अब मैं इसको यहाँ से जोड़ देता हूँ, यहाँ पर क्या है कि ये पॉइंट नंबर टू है, वन टू वन टू। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पॉइंट नंबर टू जो है इसको यहाँ एक स्लाइडिंग, नीचे स्लाइडिंग जो कि रहती है पोटेंशियल डिवाइडर पर भी, पोटेंशियल डिवाइडर पर भी स्लाइडिंग जो रहती है, हम इस पर एक कप इसको खिसका सकते हैं, इसके ऊपर कम ज्यादा, इधर करेंगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, इधर करेंगे तो पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग पोटेंशियल की वैल्यू मेजर कर सकते हो आप, अलग अलग पोटेंशियल की कैलिब्रेशन तो तभी करोगे ना आप, वोल्ट मीटर के घोटाले कब पकड़ोगे, जब वोल्ट मीटर से अलग अलग वैल्यूज पता करोगे, फिर गलतियां पकड़ में आएंगी, भैया देखो इतने वोल्टेज पर भी गड़बड़ है, इतने वोल्टेज पर भी गड़बड़ है, इतने वोल्टेज पर भी गड़बड़ है, किसी की गलतियां पकड़नी हो तो कैसे करोगे, अगर आपको मान लो किसी की गलती पकड़नी हो पता कैसे लगाओ गलती, पहले तो उसको गलती करने दो, तो पहला काम है उससे गलती करवाओ फिर पता लगवाओ। तो देखो मेरे को वोल्ट मीटर की गलती पता लगानी है, तो मेरा वोल्ट मीटर ये वाला था साहब, मेरा वोल्ट मीटर ये वाला था, बड़ा ही खराब था, है ना, इसमें बहुत सारी खराबियां थी, तो मैंने इसको यहां और यहां जोड़ दिया, राइट। अब आप देखो इस वोल्ट मीटर को मैंने यहां कनेक्ट किया है, यहां कनेक्ट किया, और ये पॉइंट नंबर टू है, यहां पे पॉइंट नंबर थ्री है, यहां गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया मैंने, और यहां मैंने इसको यहां कर दिया। अब देखो आप, अब देखो अब क्या करेंगे आप कि इस अलग अलग
जगह इसको रख रख करके, अलग अलग जगह इसको रख रख करके अलग अलग वी की वैल्यू निकाल देंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो क्या होगा आपका, फर्स्ट स्टेप, मैं अब ज्यादा बातें नहीं करूंगा, स्टेप फर्स्ट सीधा सा आपको लिख दूंगा। स्टेप फर्स्ट ये होता है, स्टेप फर्स्ट में एक्स आ जाएगा आपका, एक्स आ जाएगा तो क्या हो जाएगा वो ई डेनियल अपॉन एल वन। ये तो आपका स्टेप फर्स्ट हो गया कि पहले आप वन प्लस थ्री कनेक्ट करेंगे ना, वन प्लस थ्री कनेक्ट करेंगे, मेरे को आदत है बता ही देता हूँ, वन प्लस थ्री कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जब ये वन प्लस थ्री कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा, ई डेनियल आपका सर्किट में आएगा, तो आपके पास बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी एल वन, आपके पास एक्स आ गया, एक्स आ गया। अब देखो, अब हम स्टेप टू में, स्टेप टू में, स्टेप टू में आपका वी जो है वो एक्स एल टू आएगा, एक्स एल टू आएगा, है ना। अब हम देखो एक टेबल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, टेबल में सबसे पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, और ये तो देखो सबसे पहले वाले कॉलम में तो हम रखेंगे सीरियल नंबर, सीरियल नंबर सबसे पहले वाले कॉलम में, टेबल बना रहा हूं मैं, सबसे पहले वाले कॉलम में सीरियल नंबर, फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन ऑब्जर्वेशन ले लो, ज़्यादा हो तो ट्वेंटी ले लो, थर्टी ले लो, हंड्रेड ले लो, जितने मर्जी ऑब्जर्वेशन ले लो, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम वी की अलग अलग वैल्यूज लेंगे, फिर वी डैश की अलग अलग वैल्यूज लेंगे, फिर हम एरर निकालेंगे डेल्टा वी, डेल्टा वी को कहेंगे वी डैश माइनस वी। ध्यान दीजिए, हमेशा इनकरेक्ट माइनस करेक्ट को कहते हैं एरर, एरर। आप अलग 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 जगह इसको रख करके, ये स्लाइडिंग है ना, इसको इधर उधर इधर उधर इधर उधर खिसका करके अलग अलग वोल्टेज की वैल्यू लीजिए, तो एक तो आप पोटेंशियोमीटर से नापो और एक उससे नापो। अच्छा, हमने पोटेंशियोमीटर वाले को वी माना है, इसको वी डैश मान लो बेटा, वोल्टमीटर वाला एरर है ना, पोटेंशियोमीटर तो एक्यूरेट देगा, राइट। अब आपने पता कर दिया, तो पोटेंशियोमीटर की वैल्यू पता करने का तरीका ये है, और वी डैश को आप वोल्टमीटर से सीधे दिखी जाएगा, रीडिंग आएगी उसके उसके अंदर। अब देखो क्या हुआ, अब ये हुआ है कि आपका वी, वी जो है ना, वी है करेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू फ्रॉम पोटेंशियोमीटर, फ्रॉम पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर एकदम करेक्ट वैल्यू नापता है, तो गड़बड़ करता ही नहीं है वो तो, राइट। वी डैश इज इनकरेक्ट वैल्यू फ्रॉम वोल्टमीटर, इनकरेक्ट वैल्यू फ्रॉम वोल्टमीटर, फ्रॉम वोल्टमीटर, राइट। अब आप देखो कि जब ये इनकरेक्ट वैल्यू फ्रॉम वोल्टमीटर आ गया ना, तो अब हम इसको लिख देंगे डेल्टा वी यानी एरर ऑफ वोल्टमीटर, एरर ऑफ वोल्टमीटर। इनकरेक्ट में से करेक्ट वैल्यू हटाइए जी, वी डैश माइनस वी करो आप, ये आपकी क्या आएगी, एरर आएगी। अब आप यहां पे ग्राफ बनाइए, तो ग्राफ में आप यहां पे बनाइए एरर डेल्टा वी का ग्राफ, और यहां वी डैश का ग्राफ बनाइए, वी डैश यानी इनकरेक्ट वैल्यू, इनकरेक्ट वैल्यू, इसे कहते हैं कैलिब्रेशन कर्व, क्या कहते हैं इसको, कैलिब्रेशन कर्व, जिससे कि आप उस वोल्टमीटर का हमेशा हमेशा के लिए ग्राफ बना के रख दीजिए, तो जब भी आप मेजर करेंगे ना, तो वोल्टमीटर की आदत तो खराब नापने की है, तो आपको ग्राफ पर पहले ही पता रहेगा कि ये गड़बड़ क्या कर रहा है, गड़बड़ क्या कर रहा है, पता लग जाएगा ना पहले से ही। तो अब आपका जैसे मान लो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ये डिपेंड करता है कि कैसा वोल्टमीटर आपका, इसका ग्राफ हमें बिल्कुल भी नहीं पता, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस ग्राफ, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द वोल्टमीटर, कैसा है, कितनी खराबियां हैं, कितने घोटाले हैं, कौन सी कंपनी का है, सस्ता है महंगा है, अच्छा वाला है थोड़ा महंगा आएगा, सस्ता वाला है थोड़ा घटिया आएगा, समझ रहे हो ना। तो ये बात है आपकी, अब जब ये चीज़ है तो आप इसको ग्राफ कुछ भी हो सकता है, इसका कोई पता नहीं हमारे को ग्राफ का, वी डोंट नो एनीथिंग, है ना, तो कैसा भी ग्राफ हो सकता है, कैलिब्रेशन कर्व, इट इज कॉल्ड एज कैलिब्रेशन कर्व। अब इस कैलिब्रेशन कर्व में हम क्या काम कर लेते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कैलिब्रेशन कर्व। देखिए यूज ये है कि आप वोल्ट मीटर से वी डैश नापेंगे, है ना। अब वी डैश नापेंगे तो जैसे मान लो आपके पास वी डैश की वैल्यू आई, तो इस वी डैश की वैल्यू के लिए कोई भी डेल्टा वी जो है आप ग्राफ से पढ़ लेंगे, ग्राफ से पढ़ लेंगे तो आपको डेल्टा वी पता लग गया। अब डेल्टा वी बराबर क्या होता है, वी डैश माइनस वी, तो ये इनकरेक्ट वैल्यू है, ये करेक्ट वैल्यू, तो करेक्ट वैल्यू तो आपने नापी ही नहीं, तो वी डैश में से डेल्टा वी का भाग लगा दोगे तो आपके पास करेक्ट वैल्यू आ जाएगी, बस हो गया काम, समझ गए। अच्छा, इसी तरह से अब हम कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर की बात करेंगे।
कैलिब्रेशन ऑफ एमिटर में हम सर्किट वही बनाएंगे जो हमने एमिटर का सर्किट बनाया था ना, करंट मेजरमेंट का, टू कंपेयर टू रेजिस्टेंस। अच्छा हाँ सॉरी, देखिए ये आपका करंट है ना, तो हमने अभी ये किया था टू फाइंड आउट करंट इन अ सर्किट, टू फाइंड आउट करंट इन अ सर्किट। इसमें हम क्या करते हैं, सर्किट पूरा का पूरा ये का यही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा सर्किट में, बस हम क्या करेंगे यहां पे एक एमीटर लगा देंगे, बस काम हो गया। ये एमीटर गलत नापता है, इसको कह देंगे आई डैश, इसको क्या कह देंगे आई डैश, गलत ही नापेगा ये, तो ये सही नापेगा, तो उसको हम कह देंगे आई। यानी कि आपने बस उस एमीटर जो करंट वाला सर्किट था ना उसमें लगा दिया, बाकी स्टेप्स वो के वो रहेंगे, एक ओम का रेजिस्टेंस रहेगा आपका वहां पर, है ना, स्टेप आपका वो का वो रहेगा। फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप था कनेक्ट वन एंड थ्री, बी एल विल बी ई डी, फिर आपके ये रहेगा, ये सब हो गया आपका। अच्छा ये सब होने के बाद में अब आप जो है ना कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर का काम यही कर देते हैं। तो आई डैश क्या है, आई डैश इज इनकरेक्ट वैल्यू, इनकरेक्ट वैल्यू मेजर्ड बाय एमीटर, इनकरेक्ट वैल्यू बाय एमीटर, एमीटर को गलत नापेगा, गलत ही होता है बेटा ज्यादातर, सही होता ही नहीं है। और आई क्या होता है, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर रीडिंग, करेक्ट वैल्यू है ना, करेक्ट, तो आपकी एरर आ जाएगी है ना, एरर आ जाएगी डेल्टा आई बराबर क्या, आई डैश माइनस आई, ये डेल्टा आई आ जाएगी, करेक्ट। हमेशा इनकरेक्ट में से करेक्ट वैल्यू घटाते हैं पर एरर आती है, ध्यान रखना, कभी करेक्ट में से इनकरेक्ट मत घटा देना, गलत हो जाएगा वो है। अब आपका कैलिब्रेशन कर्व बना दो, कैलिब्रेशन कर्व वही वापस से कि आप एक एक्सिस पर आई डैश रखेंगे इनकरेक्ट वैल्यू और दूसरे पर आप एरर रखेंगे, राइट। करेक्ट वैल्यू ग्राफ का पार्ट नहीं होता है, क्यों, करेक्ट वैल्यू ग्राफ का पार्ट हो गया तो फिर तो आपको करना ही क्या है, कैलिब्रेशन कर्व का, कैलिब्रेशन कर्व का मतलब तो यही है ना कि भाई आपको गलत पता है तो आप सही पता कर लो ग्राफ में से देख करके, तो आपका ग्राफ कैसा आएगा कुछ नहीं जानते, इट डिपेंड्स अपॉन, है ना, तो आई डोंट नो एनी काइंड ऑफ द ग्राफ कैन बी, राइट। अब मान लो आपको आई डैश की वैल्यू पता है तो उस आई डैश की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको डेल्टा आई पता लग जाएगी ना यहाँ से, अब डेल्टा आई आपको पता लग गई आप आई निकाल दो, डेल्टा आई बराबर क्या है, आई डैश माइनस आई, आई डैश माइनस आई, आई इज इक्वल टू व्हाट, आई डैश माइनस डेल्टा आई, बस खत्म। ये आपका जो है ना पता लग जाएगा आपका करंट, सही सही करंट पता लग जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है ये एकदम जो है समापन समारोह की तरफ अग्रसर हो रहा है और इसकी नमस्ते होने वाली है चैप्टर की। देखिए ये आप फॉर्मूला चार्ट देखिए, अपना फॉर्मूला चार्ट देखो, फॉर्मूला चार्ट में पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर का डिफरेंस दे रखा है, तो इसको आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। फ्यूज वायर में समझाऊंगा आपको कि क्या होता है, राइट। आरसी सर्किट पढ़ाना है मेरे को बस, ठीक है, बस ये एक टॉपिक बच गया, इसका एक या दो वीडियो और आएंगे इसके, उसके बाद समाप्त। आप जल्दी से जल्दी इसका जो है ना डीपीपी कर लीजिए, और आप ये जो है ना अपने पास में क्या बोलते हैं जो ये है 33 तक के क्वेश्चन कर लीजिए आप, प्लीज डू सॉल्व क्वेश्चंस अप टू 33, है ना, 33 तक सारे सवाल कर लो, 34-35 अभी आप नहीं करेंगे, वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप 33 तक के सारे सवाल कर लीजिए, फॉर्मूला चार्ट के 33 तक के क्वेश्चन कर लो सारे।